सच्ची में मैं आपको बहुत प्यार मम्मा, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। और तू यहाँ क्या कर रहा बैठ कर? क्या लगता है वो आपको बताओ? बाप है तेरा वो। ये सब बात छोड़ो, पहले उसे बुलाओ जो आपने वो मेरा बाप बाप बना रखा है। तो वो बाप ही है तेरा? अरे उसे बुलाओ, बुलाओ जल्दी बुलाओ। आओ अजय, मैं साइन कर इसपे। तू अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी, अपना मकान सब इसके नाम पर कर दिया। बिल्कुल दे दिया। मतलब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? इसमें आऊंगी। एक मिनट साइन कर लेना इसमें। ये क्या कर रही है तू? ये लो। नहीं ये क्या कर रही है तू? और ये नहीं ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही है मैम? ये क्या कर रही है? और ये पैसा पागल हो गई है क्या? मैम क्या चाह रहे हो आप? आपकी बेटी मेरे को वैसी नफरत करती है मेरे से इतना ज़्यादा, उसको फिर तो आप पता लग जाएगा कि आप वैसी मतलब ड्रामा कर रहे हो, और ड्रामा करने में भी इतना ज़्यादा मेरे से, मेरे को तो मार डालेगी वो। तुझे उसकी टेंशन ज़्यादा हो रही है। मेरी टेंशन कुछ नहीं है, जो मैं तुझे कह रही वो समझ ना। मैम वो तो बात ठीक है, 3-4 साल से मैं आपके पास काम कर रहा हूँ, पर मैम मैं ये करने को तो तैयार हो जाऊँगा, पर मैम उसको पता लग गया अगर कि हम ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा करने में वो मेरे को तो बहुत ज्यादा मेरे से तो और ज्यादा। मैडम आपने पहले इनको समझाया नहीं था क्या? इसको मैं समझा रही हूं, इसको समझ नहीं आ रहा था। जो भी लड़का यहां पे आएगा उसको समझा देना करना क्या है मुझे। अब ये ड्रामा कर रहा है, देख लो जल्दी, नहीं तो मैं कैमरा बंद करूंगा, मुझे और भी काम है। तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। देख वैसे तो तू मेरे बेटे जैसा ही है, ये तो सिर्फ एक्टिंग ही करनी है ना। हाथ जुड़वाओ, मैं करने को तैयार हूँ सब कुछ। बाद में जो ड्रामा होएगा ना अगर वो फिर तुम जानो। अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन क्यों ले रहा है? बाद में क्या होगा? ये पूरा चीज सामान दिखाओ मैडम, क्या क्या लेके आए? ये देख मैं पेपर भी लाई हूँ, ठीक है, साइन करने के लिए। पैसे वैसे का ठीक है, 1,00,000 रुपया भी लाई हूँ और चेक भी लाई हूँ, 10,00,000 रुपया भी तेरे को दूंगी मैं। तू टेंशन मत ले, देखो जो भी हम लोग रच रहे हैं ना नाटक, ये देख, देख चेक बुक है, ये देख, ये रहे पैसे रहे, देख। तो मैं चाहता हूँ जो भी नाटक रच रहे हैं ना रियल लगे, ताकि देखो तुम इस चीज में अगर सपोर्ट मैडम को करते हो ना, शायद इनकी बेटी को, देखो मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर चुका है, हमेशा करा है और ये सक्सेसफुल हुआ है बेटा। मैं मेरी बात सुन भाई, मैडम जो कह रही है ना, माँ जैसी है ना तुम्हारी, तुम बेटे जैसे हो। हाँ जी, मैं इतने साल मैडम के लिए करोगे, रेडी हो ना? ठीक है मैम। मुझे डर लग रहा है कि जो लड़की है तेरे पे कुछ एलिगेशन लगा देगी। हाँ जी, तो कैमरे पे अभी बोल दे कि मैं जो कर रही हूँ मैडम के दबाव पे, मतलब दबाव नहीं, मैडम के कहने पे कर रही हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं मैम के कहने पे कर रहा हूँ, बस कैमरा ऑन था ना। चल ठीक है, रेडी। देख तुझे पता मैं ये क्यों कर रही हूँ? मैंने अपनी बेटी के बेटी को ना सब तरह से समझा के देख लिया है, वो नहीं समझ रही है। देखो ये जो रास्ता है ना, ये लास्ट है, वी हैव ओनली लास्ट ऑप्शन कि उनको ना एक नाटक रच के दिखाना है कि हाँ। तुम उसके बाप बनने वाले हो। सबसे पहली बात ना, इंसान को झटका तब लगता है कि जिससे मैं नफरत करता हूँ या करती हूँ वो मेरे से और करीब होने वाला। मैम मेरी मानो तो तुम ये सब कैमरा वैमरा बंद करवा दो, ये ड्रामा रहने दो। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, तुम वही रिपीट मोड पे गा रहे हो, मेरी बात फिर से सुनो। इंसान को झटका तब लगता है ना मेरे भाई कि हम जिस चीज़ से भाग रहे हैं ना वो मेरे से और चेप हो रहा है, यानी कि उससे दूर हो ही नहीं पा रहे, तो वो और तकलीफ होता है। तुझसे वो नफरत करती है सोनिया, ठीक है, और तू उसको पता चलेगा तुम उसके स्टेप फादर यानी कि सौतेले बाप बन चुके हो भाई, तो उसे और झटका लगेगा मेरे भाई। तो वो उसकी दिमाग खुलेगी जब तुम उस टाइम ना उससे पानी भी मांगोगे ना, दौड़ के पानी लेके आएगी। मैम ऐसा करते हैं तो हम क्या मैडम यही चाहते हो ना? पहले मेरी बात सुन ले मैडम, ध्यान से बात देख। पहले तो तू मेरे बेटे जाइए बेटे जैसा, ठीक है जी मैम। मैं सिर्फ एक नाटक कर रही हूँ, क्यों नाटक कर रही हूँ? लास्ट में तुम लोग रिवील कर देंगे ना। 5 साल हो गए मुझे समझाते समझाते, वो इतनी बिगड़ गई, क्लब जाने लगी, इतना महीने के 2-3 लाख ऐसे उड़ा देती है। उसको समझाने के लिए उसको नाटक करना है। मैडम ने बताई तुमने सैलरी 40 मिलती है समथिंग, फिर 40,000 तो पूरे महीने खटते हो बोलते हो तब जाके मिलती है ना, पसीने खून बहा के मेहनत करके बदन की बॉडी की दर्द देख के तब पैसे आते हैं ना, सैलरी आती है महीने में। हाँ जी, तो मैडम ने एक तुमसे हेल्प मांगा है, सपोर्ट कर दे, बाकी देखते क्या होता है आगे, ठीक है। मैं हूँ उसका रिस्क लेने के लिए, कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है, रेडी है ना मैं करूँ? वो तो ठीक है पर भाई जो आप हो जाए रेडी, मैं कह रहा हूँ भाई। जब बात तो मैडम दूसरे की, इतने सालों से मैंने भी तेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली है, तो इतना सा मेरे लिए नहीं कर सकता क्या? मैं कर तो लूंगा पर ठीक है, चलो जो तुम करना चाहते हो ठीक है, हाँ। पर आगे जो कुछ होएगा हाँ। वो आप खुद जिम्मेदार। हाँ हाँ, साक्षी सिंह जिम्मेदार है, बस हो गया, 100% जिम्मेदार है भाई।
रेडी है ना? हेलो दोस्तों, मैं हूँ मासूम और हमारे साथ यहाँ पे अजय भाई हैं। अजय भाई मैडम के यहाँ काम करती है एज ए मैनेजर। इनका 4 शॉप है लेडीज क्लॉथ का, लेडीज कपड़ों का। इन्होंने अपने दम पे स्टार्ट किया था आज से 15 साल पहले इन्होंने काम स्टार्ट किया। आज इनका 4 शॉप है दिल्ली के अंदर। और ये भाई साहब उस चारों शॉप के ना कैश संभालते हैं, हिसाब किताब संभालते हैं। और इनकी सैलरी 40,000 रुपये है। मैडम के यहाँ ये 3 या 4 साल से काम कर रहा है। अब मैडम की बेटी क्या करती है और ये क्या नौबत आ गई कि ये 10-11 लाख रुपए देके अपने स्टाफ से शादी करना पड़ रहा है? क्या क्या आन पड़ गई मैडम आज अपने स्टाफ से शादी करना पड़ रहा है? मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई मेरी बेटी को, मुझे 5 साल हो गए समझाते समझाते उसको। मैंने मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जिस बात से मैंने ना समझाया, वो बिल्कुल भी समझ के राजी नहीं है। अब ये मेरा बंदा स्टाफ का, ये काफ़ी पुराना है तो इस पर मैं विश्वास करती हूँ। उसको मैं ये कह रही हूँ कि चल एक बारी मेरे साथ मिलके नाटक कर ले। बेसिकली आज का सीन आपका क्या है, मतलब आपकी बेटी आवारागर्दी करती है, पैसे उड़ाती है? हाँ, मेरी बेटी आवारागर्दी, क्लबिंग, पता नहीं किस किस लड़कों के साथ घूमती है, तो मैं परेशान हो चुकी। और महीने के 3-4 लाख रुपया उड़ा देती है। बेसिकली आप चाहते क्या हो आप? मैं बेसिकली चाहती हूँ कि मुझको सबक सिखाना चाहती हूँ कि ये देख तू अपनी जिंदगी जैसे मर्जी जी, मैं तो अपनी शादी कर रही हूँ, मुझे अपना एंजॉय करना, तू अपना कर। मतलब उसके तो मेरी मेरी प्रॉपर्टी में से तेरा कोई भी हक नहीं है। जिस स्टाफ से ज्यादा हेट करती है आप उसी से शादी करो ताकि उनकी आंखें खुले। बहुत अच्छा ये आइडिया है मेरे ख्याल से। बाकी मतलब अगर इसके बाद भी, ये नाटक के बाद भी आपकी बेटी की आंखें नहीं खुलती है तो फिर क्या करोगे आप? फिर देख तो क्या करना है मुझे, फिर और ही कुछ मुझे देखना पड़ेगा। मतलब इतना कैसे बिगड़ गई है? जब मेरी बेटी 5-6 साल की तब तो मेरा तलाक हुआ, तब से मैंने सारा काम कर खुद संभाला, जमीन लेके मैंने सब अपना काम शुरू किया। इसीलिए पैसे की अहमियत समझ आती है? अहमियत, हाँ, एक एक पैसा मैंने कैसे जोड़ा मुझे पता, और उसको मैंने कैसे पाला है, उसको मैं कैसे बिगड़ने दूँ। वो इतने क्लबिंग करती, लड़कों के साथ घूमना, पैसे उड़ाना, अयाशी करना, तो मैं भी उसको दिखाऊंगी कि जिस स्टाफ से, स्टाफ के बंदे से तू नफरत करती, मैं उसी स्टाफ से अब शादी करूंगी, फिर उसको थोड़ी तमीज आएगी। ठीक है भाई, तुम सोनिया सिंह जी है तुम्हारी छोटी मैम साहब, उनको कितने साल से जानते? 3 साल से ही जानते? 3-4 साल। किस टाइप की वो मूडी है, क्या है? वो बहुत ज़्यादा मूडी है, और ना वो पैसे की अहमियत तो खैर समझते नहीं। पर मैं मैम को ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो भी करना चाह रहे तो वह ठीक है, पर ना मैम जो करना चाह रही है उससे ये दिखाना चाहते हैं उसको कि पैसे की अहमियत क्या है। और पैसे तो 3-4 लाख रुपये उड़ा देती है एक एक महीने में, पैसे की बिल्कुल कदर नहीं करती। आप चाहते हो कि आप एज ए, मतलब समझो मुंह बोला बेटा, तमीज से भी नहीं बात करती किसी से भी, आप मतलब चाहते हो कि वो उसकी अकल ठिकाने आ जाए? हाँ, अकल तो ठिकाने आने चाहिए क्योंकि मेरी छोटी बहन की तरह ही है वो। ठीक, देख भाई जो भी होगा मैं रिक्स ले रहा हूँ, टेंशन मत ले, कैमरा लगा हुआ सारी चीज़ें। दोस्तों आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी, अभी तो मैंने इनकी बेटी से बात की, वो आ रही है थोड़ी देर, मैंने बात किया है। अभी इन दोनों की जो भी हरकतें होंगी उनके बाद उनका जो रिएक्शन निकलेगा बहुत उच्च लेवल की निकलने वाली है। आप लोग वीडियो में बने रहो, मिलता हूँ वीडियो के अंत में, जब वो आएगी मैं आप दोनों को इंडिकेट कर दूँगा। ठीक है, मैं तो तुम्हें काफ़ी टाइम से प्यार करता था पर कहने से डरता था। सच में? हाँ सच में, सोचता था कभी तुम गुस्सा हो जाओ, तुम मालकिन हो हमारी कंपनी की, दोनों मैं सोचता था कि मैं तुम्हारे यहाँ पे मैनेजर तो हूँ छोटा सा, अगर मैं ये सब कह दूंगा कभी तुम मेरे से गुस्सा हो जाओ। नहीं यार, मैं गुस्सा क्यों, तूने समझ रहे हैं, मेरी मम्मा ऐसा कर ही नहीं सकती है। मैंने जो देखा है ना, सुनो मेरी बात, सुनो, मैं तुम्हारे घर के पास ही रहता हूँ, तुम्हारा नंबर मुझे पता था, इसीलिए मैंने तुम्हें कल से अंदर पार्क में जाने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मुझे कुछ क्या पता, मेरी मम्मा मेरे मैनेजर के साथ बैठी हुई है, कुछ बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ, मैं कैसे मान लूँ वो ऐसा कर सकती है? देखो सोनिया, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जो देखा वही बता रहा हूँ, मैं नहीं देखता ऐसा ना, तो मैं नहीं बताता, सच बता रहा हूँ, ऐसा वहाँ कोई बात नहीं, हम वही चलते, वहाँ जाके खुद देख लेते हैं ना। भाई वही तो डर भी लगता था कि मैं यहाँ पे, और सच्ची में आपको बहुत प्यार है, आई लव यू। बहन मैं वो ऐसा कर भी नहीं सकता, मेरी मम्मा तो ना अपने बेटा मानती है, वो मैं वही कह रहा, तुम्हारी माँ है वो, उसकी हरकतें देख लो, देख लो तुम्हारी माँ, मेरे को अभी भी नहीं, मेरे को अभी भी विश्वास नहीं है रहा, क्या कर सकते हैं ना समाज में, शादी तो करनी पड़ेगी, बिना शादी कैसे कर सकते, क्या रिश्ता कहलाता है वो तो है कि नहीं।
देखो मेरा नाम मत बताएंगे, ठीक है? नहीं बताओगी ना? देखो तुम उसके पापा बनोगे, तुम भी तो समझाओगे ना उसको थोड़ा बहुत। मम्मा ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। और तू यहाँ क्या कर रहा है बैठकर? तुम भी इसे अपने पास मतलब इतनी रोमांस वगैरह कर रहे हो यहाँ पर, मतलब चल क्या रहा है यहाँ पर? तू कहाँ से आई है? मैं कहीं से भी आ रही हूँ, मैं तो बस ऐसे डोल रही थी, मैंने आपको देखा और इसे देखा और अच्छा। और तू यहाँ पर कैसे मतलब मेरी मम्मा के पास इतने पास बैठा हुआ था, हाथ पकड़ के रोमांस कर रहा है? तेरे को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? क्या दिक्कत है? मतलब चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा। क्या चल रहा है? अभी बैठे हुए थे, हाथ पकड़ रखा है, वो गले मिल रहे हैं, आप लोग रोमांस कर रहे हो यहाँ पर, मतलब आपको इस उम्र में अच्छा लग रहा है ये सब करते हुए? तो क्या करूँ फिर मैं, क्या करूँ फिर मैं? एक काम कर, पहले तू जा, मेरे को अपनी मम्मा से ना कुछ बात करनी है। तो क्यों जाए वो? क्यों लगता कौन है आपका? कुछ भी लगता क्यों नहीं, नहीं लगता तो बात कर लो उसके सामने। क्या बात करूँ, लगती कौन है मेरी मम्मा? तुम हमारे घर के नौकर हो, मैनेजर हो, ठीक है ना? अपनी औकात मत भूल, ठीक है? इनसे पता करो। एक काम कर, तू यहाँ से जा, मेरे को अपनी मम्मा से कुछ बात करने, चल जाऊँ मैं? जल्दी जा जा, चल, चल। एक बार ही तू मेरी बात सुन प्यार से। क्या बात करूँ मैं आपसे? बैठ तो सही बेटे। मेरे को नहीं बैठा रहे, मैं क्या बात करूँ? मैंने देख लिया ना क्या कर रहे थे आप यहाँ पर। तो क्या करूँ फिर मैं, जब तू मुझे टाइम नहीं देगी तो मैं क्या करूँ? क्या टाइम नहीं दिया मैंने आपको? मम्मा ऐसे कैसे कर सकते हो आप? ये चल क्या रहा है यहाँ पर, मतलब अपने घर के नौकर के साथ बैठ कर यहाँ पर रोमांस कर रहे हो तुम? तो क्या करूँ मैं, जब तू मुझे टाइम नहीं देगी तो मैं क्या करूँगी? मैंने आपको बताओ क्या टाइम नहीं दिया? मैं तो पूरा दिन तो तू अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमती, पैसा उड़ाती रहती है। उनके ऊपर मैं पैसा उड़ाऊंगी? वो मेरे ऊपर पैसा? तुझे पता नहीं ना वो पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है? तो आप कमा मेरे लिए रही हो ना? हाँ तो उड़ा देगी क्या तू? अभी मेरे एज मोश करने के दिन और तुम और उसके बाद फिर तो ऐश की भी एक लिमिट होती, कितनी ऐश करेगी तू? मेरे यार दोस्तों को पता चलेगा, फ्रेंड्स को पता चलेगा कि मेरी मम्मा यहाँ पर बैठ कर हमारे घर के खुद के नौकर के साथ रोमांस कर रहे, तो क्या सोचेंगे वो? तो तेरे बारे में कुछ नहीं सोचेगी जो तू इतनी आवारागर्दी करती है? मैं क्या कर रही हूँ मेरे ऐश? मम्मा आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो बिल्कुल। तू नहीं समझ रही, तू पहले बैठ यहाँ पे, तू समझ मेरी बात। आप ये जो भी करो ना बहुत ज्यादा गलत करो, हमारे घर का नौकर है। तो क्या हुआ, नौकर है तो इंसान है ना? आप थोड़ी सी मतलब आपको शर्म वगैरह कुछ है नहीं है? नहीं मुझे नहीं आ रही। आप ये सब कर रहे हो और अभी खुद के घर के नौकर के साथ, ऐसा अच्छा थोड़ा ना लगता है? मेरे फ्रेंड्स को पता चलेगा क्या बोलेंगे, मेरे को 10 तरीके की बातें सुनने को मिलेगी कि तेरी माँ ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, तेरे घर के खुद के नौकर के साथ घूम रही है। तो तेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं ये नहीं तूने कभी देखा? वो कुछ भी बोलते हो पर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। क्यों, मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी लाइफ नहीं है? तुम्हारी लाइफ है पर ऐसे मत जियो ना अपनी लाइफ को, ऐसे मत। यार आप तुम्हारे पापा की जान, मैंने तुम्हें अकेले पाला, अकेले सब कुछ किया है मैंने, अपनी मेहनत से मैंने पैसा कमाया जिसको तू रोज इतना उड़ाती है। पैसा भी आप मेरे लिए ही कमा रहे हो ना? हाँ तो रोज उड़ा देगी कि तू उसको? क्या हो गया, क्या पता मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, क्या करूँगी? तो ऐसा ही होगा ना, कल मैं नहीं रहूंगी तो फिर तू क्या करेगी? आपको अपना पैसा कैसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं तेरे को? क्या समझाना चाहते हो समझाओ, मैं आपके सुनो, सुनाओ आप क्या कहना चाहते हो बताओ। तू बता ना। देखो मम्मा मैं अभी भी कह रही हूँ ऐसा अच्छा नहीं लगता, आप अपनी उम्र देखो और वो देखना। तो क्या हुआ, हमारे घर का नौकर है वो? नौकर है तो क्या हुआ, आप तेरा ऐसा तेरा बाप बन जाएगा वो, मैं उसको तेरा बाप बनाऊंगी। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जब मेरे फ्रेंड्स को अगर पता चलेगा ना वो क्या बोलेंगे? मैं क्या करूँ अब, मैं तो करूंगी, मैंने तो आप कर ली उससे, मैंने उससे प्रॉमिस कर दिया। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ? जब तू मेरे को टाइम नहीं देगी, तू अपना बाहर गुलचले उड़ाएगी, तू पैसे को ऐसे पानी की तरफ आएगी, तो मैं तो करूंगी। घर पे भी बैठ सकती हो, इतना बड़ा घर है, कुछ भी करो ना वहाँ पर। क्या करूँ घर में, अकेली दीवारों से बातें करूँ क्या मैं? देखो मम्मा अगर आप ऐसी हरकतें करोगी ना तो या तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूंगी या आपको ये सब। हाँ तो यही बात मैं बोलूँ तो आप मेरी माँ हो, मैं आपको सिर्फ आपके अच्छे के लिए समझा रही हूँ और आप ये जो पैसा वगैरह कमा रहे हो सिर्फ मेरे लिए तो कमा रही हो ना, आप चाहती हो ना कि मैं अच्छे से रहूँ, अपने ऐश मौज पूरे करूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं नहीं समझ रही, जब तू नहीं समझ रही तो मैं भी नहीं समझ रही। एक बात बताओ, वो लगता कौन है आपका जो आप उसके साथ यहाँ पर पार्क में बैठे हुए हो? क्या लगता है? हाँ क्या लगता है वो आपका बताओ। बाप है तेरा वो। क्या पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा बिल्कुल ही? तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा हुआ है, उसे पता है ना कि अब उसके पास कोई है भी नहीं, उसकी लड़की तो अपने में मस्त रहती है, तो इसलिए वो उसने सोचा कि इसकी माँ सही है, इसके माँ के साथ मेरी बात सुन। तो मुझे तो ये बात सुना रही है,
तू जो उन दो लड़कों के साथ घूमती है, जो तेरे पैसों पे ऐश करते हैं, अगर तू पैसा ना दे तो तू अपनी हालत देख। मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके पर पैसा उड़ा सकती हूँ। क्यों उड़ा सकती है? अगर तेरे पास पैसा ना, तो फिर अपनी हालत देख ले, वो तेरे दोस्त बनते हैं या नहीं भी बनते हैं। ये सब बात छोड़ो, पहले उसे बुलाओ जो आपने वो मेरा बाप बाप बना रखा है। तो वो बाप ये तेरा? अरे उसे बुलाओ, बुलाओ जल्दी बुलाओ। आओ अजय। जी मैम। ये क्या कह रही है? ये क्या लगते हो तुम मेरे, और क्या है ये, तो मतलब तुम दोनों का चल क्या रहा है? ठीक है मैम, चेक दो तुम, मैंने साइन कर दिया। मम्मा ये किस चीज की, मतलब किस चीज के पैसे की बात हो रही है? चेक वगैरह क्या लगा रखा है ये? तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरा पैसा है, अपने पैसे को मैं चाहे आग लगाऊं। मेरा पैसा नहीं है ये? नहीं है तेरा पैसा, मैंने कमाया ना, ये मेरा पैसा है। ये सारा पैसा मेरा है, ठीक है ना? क्यों आप तुमको टेंशन क्यों हो रही कि तेरा पैसा है? ये पैसे, ये तुम्हारे सारे पैसे। मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, ठीक है? मैं तो दूंगी, ये मेरा पैसा है, जैसे जैसे मैं जो मर्जी करूँ। ऐसी क्या दिक्कत है तेरे को? मम्मा ये मेरा पैसा है, ये तेरा पैसा कहाँ से आ गया? मेरा पैसा, मैंने कमाया है अपने मेहनत से, मैंने कमाया है। पैसे लेके चला जाएगा और तुझे क्या दिक्कत है? तुझे क्या दिक्कत है? ये पकड़, ठीक है? ये तो 1 लाख का तेरा चेक है, ठीक है? और ये 10 लाख रुपया तेरा कैश है, तेरे पास सीधे 11 लाख रुपए हो गए। पैसे से क्यों दे रही हो तुम? मेरे पैसे, मैंने बोला है ना। लाओ मैम पैसे दो। मैं किसी को मर्जी दूँ, जिसको मर्जी दूँ, मेरी मर्जी। ये सारे पैसे मेरे तेरे नहीं है, ये सारे पैसे मेरे हैं, मैंने कमाए अपनी मेहनत से। सारा सामान पैसा हाथ में, तब मैंने कमाया। मैं बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा, बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत कर रहा। मैं अभी भी कह रही हूँ ये सारे पैसे ले लो, ये चेक वगैरह ले लो। इसे क्यों ले लूँ, क्यों ले लूँ मैं? ये सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता और कुछ। आप क्यों नहीं समझ रहे हो, ये क्या इसे इतने सारे पैसे दे दिए? हमारे घर का नौकर है ये खाली। चल आजे, तेरे पैसे तो मैंने तेरे को दे दिए, अब रह गए साइन। अब तू ना इस पे साइन कर दे। क्या साइन करूँ मैं इसमें? इसमें साइन कर कि तेरा, मैं तो इसके साथ शादी कर रही हूँ, अब तेरा मेरा रिश्ता हो गया खत्म। अच्छा हाँ, ये ले कर, साइन कर इस पे। साइन कर इस पे। तू अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी, अपना मकान सब इसके नाम पर कर दिया। बिल्कुल दे दिया। मतलब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ? मैंने दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ इसका है, अभी तेरा बाप है। सब कुछ इसके नाम कर दिया। हाँ? मतलब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। तू इस पे चुपचाप साइन कर, तू अपनी जिंदगी जी, मुझे साइन करने मेरे को ना। तू मेरे बीच में आई ना, मैं तेरे बीच में आऊंगी। एक मिनट साइन कर लेना इसमें। ये क्या कर रही है तू? ये लो। नहीं ये क्या कर रही है तू? तूने कमाया पैसा, मैंने कमाया। मैं तेरे लिए कमाती हूँ, तेरे अय्याश जो दोस्त है ना, जिनके साथ तू अय्याशी करती है, उनके लिए नहीं कमाती मैं ये पैसा। मम्मा आप मेरे लिए कमा रहे हो, मैं किसी पर भी उड़ाऊ, अपने ऊपर उड़ा रही हूँ, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ। तुझे पता नहीं पैसे कितने मेहनत से कमाया जाता है? एक पता नहीं क्या लगा रखा है आपने, सिर्फ आपके पैसों से प्यार करता है। कोई बात नहीं, तूने पेपर तो फाड़ दिए, कोई बात नहीं, पेपर तो और बन जाएंगे। क्या पेपर और बन जाएंगे, लगा रखा है आपने? मतलब मेरे को आप कुछ भी नहीं दोगे? बेटे इधर आओ, तुम न समझो। बुला रहे हो? मैं बुला रही हूँ, मैं अब ये पेपर नया बनाऊंगी। पेपर तो हाँ यही मेरी बेटी है, पेपर नया बन जाएगा, मैं दोबारा से कर लूंगी जो करना है। मेरे को इन्हीं भैया ने बताया कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो उल्टा सीधा। अच्छा तो अच्छा, पेपर जो बना है ना, ये मैंने ही बना के इन्होंने बनाया, ये दोबारा भी बना देंगे। अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे घर का मैनेजर और मेरी पापा रोमांस कर रहे हैं। मैंने गलत तो नहीं बोला, मैंने प्रूफ किया। अब इसको देखो, मैंने प्रूफ किया ना। देखो मैडम, पेपर 2 दिन में बन जाएगा। अब बिल्कुल आप मुझे बनवा के देना। कैश जो मुझे, मैंने आपने बोला था 1 लाख मुझे दोगे ये सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपकी बेटी भी यहाँ ला के रख दिया। हाँ। आपको जो करना करो, आप जो बात करना फाइनल बात। मेरी बात सुन, अब तेरा मेरा हो गया खत्म, तू अपना देख, मैं अपना देखूं, पेपर का बन जाएगा। आप आपकी लड़की, अब तुमको याद आ गया कि तू मेरी लड़की है? आपको इसे जो देना है दे दो, आप मेरे को बस छोड़ के मत जाओ। नहीं मैं तो अब उसके साथ रहूंगी, मैंने अब उससे वादा किया हुआ है। तू मेरे पैर तो बिल्कुल मत पकड़, क्योंकि तूने बहुत टाइम हो गया। नहीं मैं तो उसके साथ रहूंगी, अब तूने अपनी जिंदगी जैसे जीनी है, जितनी अय्याशी, जितना पैसा उड़ाना है तुझे उड़ा। महीने में भैया मेरे से गलती।
एक महीने में तीन तीन चार चार लाख रुपए उड़ाती है। मेरी उम्र में ना सुनो, मैं भी दोस्तों पे नहीं, एक लाख दो लाख तो नहीं, 400-500 हजार रुपए उड़ाता था। वो दोस्त तभी तक मेरे साथ थे जब तक मेरे पॉकेट में पैसे हुआ करते थे। जब पैसे खत्म हो जाते थे ना, नजर भी नहीं आते थे वो। और ये तो 5-5 लाख रुपए उड़ाती है, मैं आपके आगे हाथ इसको कोई पूछेगा? बचपन से तुझे पाली, 6 महीने की थी, 6 साल की, तुम्हारे पापा ने तुम्हें छोड़ के गया था, ये पूरा पाल रही इसको मैं, बाढ़ डोर संभाली। और तुमने क्या किया? तुम्हारे लिए पैसे जमा कर रही है ना, ताकि तुम अच्छे घर में करोड़पति के से शादी हो सके, और तू अपनी शादी को छोड़ के अपनी माँ का शादी देख। अब मैं अब मुझे नहीं पता तेरी गलती का, अब तो मैंने शादी कर ली है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। एक मिनट, क्या बोले आप? जो देना उसको दे दो कह रही है। अब मम्मा छोड़ के जाने की भी बात कर रही है, मेरे को नहीं रह सकते अपनी मम्मा के साथ। हो गया रेडी भाई, देख एक काम कर सकता है तू, छोड़ सकता है बीवी को? देने के लिए रेडी है ना, मैं इन्हीं को मना लो तुम। मैं तेरे को जो लेना तो वो लेना, तेरे को जो पैसे लेना ना वो लेना, पर मेरी मम्मा को कर, मैं देख तेरे आगे पैर भी पड़ रहे, हाथ भी जोड़ रहे। पैर मत उठो, मेरी बात सुनो, ये सब करने से कोई फायदा ही नहीं है, तो ये समय नहीं करना। मैडम बात करना, कर लो बेटी से अकेले में, कर लो अकेले में बात। चलो भाई अकेले में बात कर लो। मम्मा गलती हो गई मेरे से, मैं कान पकड़ के सॉरी बोल, मेरी सुन मेरी बात, तो कुछ भी गलत हरकत नहीं करेगी ना? नहीं, पक्का प्रॉमिस कर मेरे साथ। मैं पक्का प्रॉमिस कर रही हूं, हर जिंदगी मैं कुछ भी नहीं करूंगी और आपको कभी भी हर्ट नहीं करूंगी। बस थोड़ी सी भटक गई थी मैं, गलती हो गई मेरे से, मेरे को माफ कर दो। मैं कान पकड़ के आपको मैं आपके पैर भी पकड़, पैर नहीं पड़ने थे। पता तेरे को कितना टाइम हो गया, मैंने कैसे कैसे तरीके से समझाया तेरे को, तू बिल्कुल भी समझ रही थी। इसलिए मुझे ना बहुत बहुत मजबूरी में, अब मैंने उससे देख कॉर्ट मैरिज कर ली है, सब कुछ हो चुका है, अब मैं उसको किस मुंह से मना करूँ? मैं कर ही नहीं सकती हूँ। कोई अब दोबारा से डिवोर्स ले लो, मैं ये सब नहीं मान सकती। नहीं हो सकता ना, अभी तो शादी की कैसे ले लूँ? मेरे से हो गई गलती, आप कोई बात नहीं, अब तू अभी तेरे को खुश होना चाहिए ना, तेरे को आज़ादी मिल गई, अब तू जाओ जो मर्जी करियो। मुझे कोई आज़ादी नहीं चाहिए, और उसे पैसे वगैरह दो उसे यहाँ से। अब तेरी लाइफ में कोई भी नहीं होगा अच्छे से, मम्मी टोकने वाली नहीं होगी, रोकने वाली नहीं होगी, कोई तुझसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, घर जल्दी वापस आ जा, खाना खा ले, बिल्कुल फ्री माइंड होके अपनी लाइफ को एंजॉय करना। रह ही नहीं सकती, और मेरे को जो आप इतने प्यार से बोलते हैं कि आ जा खाना खा ले, कौन ऐसे करके मेरे को बुलाएगा? और अकेले तो मैं तो ऐसे घुट घुट के मर जाऊंगी। मैं आपके नहीं मरेगी, अब तो तेरे लिए अच्छा हो गया ना, मैं नहीं रह सकती, बढ़िया हो गया तेरे लिए तो। अब आप मेरे को कहीं नहीं जा रहे छोड़ के, और नहीं मैं आपको कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। मैं अपने अरे मैं उसको मैं क्या जवाब दूँ? आज आओ इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैडम भाई अब तो मैं नहीं कर सकती, मैंने बोल दिया। आपको समझाओ ना मेरी मम्मा को, मैं इसको क्या निकालो यहाँ से। क्या चाहती हो मेरे से? मेरी मम्मा मतलब मेरी मम्मा कह रही है कि मैं तेरे को छोड़ के, हाँ क्या क्या, एक मिनट क्या बोली मेरी मम्मा? मेरे को कह रही कि मैं तेरे को छोड़ के चलूंगी, बट मेरे मम्मा को मना कर दिया। एक माँ क्या, मैं अपने मम्मा के बगैर नहीं रह सकती। एक माँ क्या करेगी तुम्हारे लिए बताओ? तुमने उनको एक चीज नहीं छोड़ा बोलने के लिए, आपने उनसे कह रही हूँ कि आइंदा से ये गलती नहीं होगी मेरे से। क्या गारंटी का प्रयासी नहीं करोगे और क्या? अब तो तुमको आजादी मिली है, करती वादा करती हूँ आइंदा से ऐसा नहीं। यही चाहती है ना कि तुझे छोड़ दे अकेले, आजादी और क्या, आराम से अकेले नहीं रहना मेरे को आपके साथ। क्यों इतने टाइम से तू अकेली तो घूम रही है? अभी भी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है, मैं परेशान होगी अकेली रह रह के। मुझे भी पार्टनर चाहिए अपना कोई। प्रॉमिस कर माँ को कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर ऐसा कुछ करोगी तो तुम्हारी माँ कर सकती है ना शादी? बोलो कर सकती है ना? कर लेना शादी, पर मैं ऐसा कुछ गलती करूंगी नहीं ना जिससे ये नो बताए। बता दो आप लोग हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए ना, सामने देखो इधर बहन, सामने वो देख, ये सब मजाक था, सब मजाक था, नकली पेपर थे, ये मजाक था, देखो इधर पैसे भी नकली, ये सब मजाक था, चेक बुक भी नकली। तू अगली बार ऐसे कुछ की ना, ये सब मजाक, शादी भी होगा हकीकत में, कोर्ट मैरिज भी होगा, और सुन ये सब पैसे होंगे और हकीकत में झूठे पेपर है, ये कोई कोर्ट के पेपर नहीं है, ये वैसे ही मैंने इनसे बनवाए थे नकली पेपर। मैं दोस्तों के साथ क्यों घूमना, पैसे उसके ऊपर क्यों खर्च करना? बता तुम्हारी माँ कमाती है, तू बता तुम्हारी माँ कमाती है ना, खून महीने पसीने एकदम, तुमको टाइम नहीं दे पाती है बेचारी, बारह बारह घंटे ड्यूटी करती है अपने शॉप पे, तो क्यों किसी पे पैसे उड़ाना?
अकल लगा समझ गई अब मैं नहीं करती कितनी तेरी एक छोटी है पता मैं प्रॉमिस करती हूं मेरी लाखों वीडियो देखती है तू मुझे जानती नहीं हो लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में रहता हूं लाखों लोग मेरी वीडियो देखती है प्रॉमिस कर कि माँ को नहीं तंग करेगी आज मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी और अगर ये लड़की कहीं भी क्लब वाले पे दिखे ना भाई मुझे मैसेज करना भाई मैं इसको बताऊंगा और मैं आपको स्वयंवर लगवाऊंगा बढ़िया सा मंडप लगवाऊंगा वहाँ पे कन्यादान बेटी करेगी माँ नहीं बेटी करेगी ठीक है ना सोच ले तुम्हारी माँ आज भी जवान है कर सकती है शादी मैं ऐसा करूंगी सुनो वेस्ट दिल्ली का ना अंकल इनके पिता है पूछ लो मैं ऐसा करूंगी नहीं कि आपको ये सब करना चाहती हो माँ छोड़ के चली जाए गले में देख ले बाकी दोस्तों आपको वीडियो देख के कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना अगर आप माँ बाप को परेशान करते हो तो शायद आपके माँ बाप भी ऐसा कदम उठा सकते हैं आपको छोड़ के चले जाएंगे तो उससे पहले आके खोलो माँ बाप की सेवा करो इससे आगे क्या बोलूँ बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करना नया तो नीचे सब्सक्राइब कर दो थैंक यू सो मच।